तो बाबा सिद्दीकी के मर्डर के तीसरे दिन भी सिर्फ 4 गिरफ्तारियां ही हो पाई हैं, जबकि इस कहानी में कुल 6 किरदार सामने आ रहे हैं। किस किरदार की क्या कहानी है, क्या काम करते थे, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। कहानी के सबसे बड़े किरदार हैं लोणकर ब्रदर्स। दोनों के दोनों कुख्यात और लॉरेंस गैंग के करीबी हैं। अब तक की जांच में जो थ्योरी निकल कर आई उसके मुताबिक शुभम लोणकर और प्रवीण लोणकर इस शूटआउट के असली किरदार हैं। शुभम का पहले से ही अनमोल बिश्नोई से रिश्ता रहा है। शुभम और प्रवीण ने जीशान और गुरमेल के जरिए पंजाब की जेल में बंद बिश्नोई गैंग के शूटर से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक शुभम और प्रवीण ने शिव कुमार और धर्मराज को शूटआउट की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन दोनों नौसिखिए थे। ऐसे में पेशेवर अपराधी गुरमेल को इनका मुख्य साथीदार बनाया गया, लेकिन शुभम और प्रवीण शूटआउट होने से पहले खुद पिक्चर में आना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जीशान अख्तर को आगे किया और जीशान को इनके साथ रखा गया ताकि जरूरत की सारी चीजें वो उपलब्ध कराए, यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट वो देगा। ये वही चौल है जहां पर बाबा सिद्दीकी पर अटैक करने वाले धर्मराज, साथ ही उसका सहयोगी गुरमेल और इसके अलावा जो शिवा था वो इसी रूम में रहते थे। रूम में फिलहाल ताला लगा हुआ है। और अब तक ये साफ हो चुका है कि बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर है वो लॉरेंस के इशारे पर हुआ है, लेकिन मर्डर के पीछे लॉरेंस का असली मोटिव अभी तक सवाल बना हुआ है। इस सवाल के जवाब में 3 थ्योरी इसके पीछे निकल कर आ रही हैं। पहली थ्योरी मुंबई में टेरर फैलाने को लेकर है। शक है कि लॉरेंस ने महाराष्ट्र के नेताओं, कारोबारियों, फिल्मी सितारों में डर कायम करने के लिए ये मर्डर करवाया था ताकि मुंबई में मैसेज जाए, अगर बाबा सिद्दीकी को मारा जा सकता है तो किसी को भी टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा मुंबई पुलिस दूसरी थ्योरी को भी हत्या का कारण मान रही है। दरअसल लॉरेंस को शक था कि बाबा सिद्दीकी अब भी अंडरवर्ल्ड के टच में थे, जिसे पाकिस्तान और गल्फ देशों से ऑपरेट किया जा रहा है। लॉरेंस इस मर्डर से अंडरवर्ल्ड को मैसेज देना चाहता था कि पीछे हट जाओ, नहीं तो अंजाम बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। इसके अलावा एक तीसरी थ्योरी है जिसमें पुलिस ये मान रही है कि लॉरेंस देश को समर्पित डॉन की इमेज बनाना चाहता है और इसीलिए पाकिस्तान में बैठे दाऊद के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। हालांकि अभी क्राइम ब्रांच इनमें से किसी भी थ्योरी पर पुख्ता तौर से कुछ भी मानने से बच रही है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जो मोस्ट वांटेड किरदार है उनमें से एक है जीशान उर्फ जस्सी। बिल्कुल, और दावा है कि पटियाला जेल से मुंबई तक के बीच की कड़ी ही जीशान है। यानी जीशान अख्तर ही वो किरदार है जिसने लॉरेंस गैंग और लोणकर ब्रदर्स के बीच ब्रिज का काम किया और फिर शूटर्स को लॉजिस्टिक में मदद की। ये जीशान का डोजियर है। पंजाब पुलिस ने जीशान अख्तर उर्फ जस्सी उर्फ सिकंदर को साल 2022 में गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक जीशान अख्तर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद जीशान अख्तर जो कि बाबा सिद्दीकी के शूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो दरअसल सौरव महाकाल का साथी है। सौरव महाकाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल था। इस डोजियर से दो बातें साफ हो गयी। पहला कि ये वारदात लॉरेंस गैंग का ही काम है और दूसरा बाबा सिद्दीकी का हैंडलर जीशान और सिद्धू मूसेवाला का कातिल सौरभ महाकाल गहरे दोस्त हैं। सौरभ महाकाल से सलीम खान को धमकी भरे लेटर मामले में भी पूछताछ की गई थी। जीशान का डोजियर इस बात की गवाही है कि ये काम लॉरेंस गैंग ने अंजाम दिया, ठीक उसी पैटर्न पर जैसे सिद्धू मूसेवाला केस को अंजाम दिया था। Z News.